दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती गौरीतंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका सूत्र संपूर्णम ओम काली काली महाकाली कालिक परमेश्वरी दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती महाकाली कालिक परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते देव मोहिनी सुरसा चमणी दीपे लंकाय भद्रकालिका रामेश्वरी सेतु बंधे विमले कोलितीर्थं फलमतस्य लभे माया कौमारी शंखनी शिवाय सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते ओं बं उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मां शरणागतम् बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मा भुवनेश्वरी निराद्रित जगन्नाथ साक्षात् दक्षिण कालिकायै ॐ प्रत्यालीड पदाङ्कित हित तव हित घोर नारायणी नमस्तुते ॐ अथर्गलाश्रोत्रम् ॐ अस्य श्रीअर्गलाश्रोत्र मन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता ओम नमश्चंडिकाये मार्कण्डवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रका जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी ये बहुत प्रसिद्ध पीठ है, माता चौसठी योगिनी इनको कहते हैं। चौसठ योगिनी ही आके पूजा किए हैं और माँ का मंदिर का आज दर्शन का सौभाग्य मिला। और यहाँ शिव जी का भी आज सोमवार है, शिव जी का भी दर्शन का अवसर मिला। आज थोड़ा फुर्सत था, चुनाव की आपाधापी के अंदर एग्जिट पोल भी आ चुका है, कल काउंटिंग होगा, इसीलिए निश्चित होकर थोड़ा आके हम लोग यहाँ अस्वस्थ होके दर्शन के सौभाग्य मेरे को मिला। मेरे बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, लेकिन किसी दैवी शक्ति ने हमको आदेश दिया कि तुम अभी ही जाके एक बार होके आओ, मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और बाकी रहा उड़ीसा में परिवर्तन की, उड़ीसा में परिवर्तन तय हो चुका है। जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों पे भरोसा करके उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। इस परिवर्तन हो चुकी है और लोगों के कल्याण के लिए परिवर्तन होगा। हमारी प्रदेश 21वीं सदी में एक लीडिंग स्टेट बनेगा, इकोनॉमी हब बनेगा, रोजगार सृजन होगी, सुरक्षा बढ़ेगी समाज में और लोगों में और संपन्नता आएगी। यही मैं माँ के पान सामने और महाप्रभु जगन्नाथ के सामने प्रार्थना करते आया हूँ। इस बार निश्चित रूप में परिवर्तन हो रहा है और देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है।